बेमेतरा के हिंदी मीडियम के शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में किए जाने से नाराज अभिभावकों ने 20 दिनों के अंदर दूसरी बार तालाबंदी की है। यहां अभिभावकों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में घंटों जमकर प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन के लापरवाह रवैये से अभिभावकों में खासी नाराजगी है। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। एक प्रधान पाठक और दो शिक्षक की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया समाप्त। आज सुबह यहाँ जो पालक लोग बेसिक स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल बनाया गया है वहाँ टीचरों की समस्या को लेकर आज फिर तालाबंदी हुई। दूसरी बार तालाबंदी करने का नौबत आया, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है ये बेसिक स्कूल ही नहीं, बेमेतरा विधानसभा के सर्वाधिक स्कूलों में टीचरों की कमी है। इतने बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको रोजगार देना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, संयुक्त में टीचरों की व्यवस्था करना चाहिए। इंग्लिश स्कूल बना दिया गया लेकिन वहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। बीच में लोग जब पहली बार जब तालाबंदी किए तो शायद दो टीचर को इन लोगों ने वहाँ स्थापन किया, लेकिन वहाँ जो टीचर है वो स्वयं बोल रहा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता। ये बड़ा यानी दुर्भाग्य का विषय है। इसको लेकर फिर आज तालाबंदी हुई। हम लोग यहाँ जो डीओ साहब उनसे मिलने आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और अब दो टीचरों को फिर से नया रूप से जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं उनको वहाँ स्थापन किया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है और एक प्रधान पाठक की भी नियुक्ति की गई है। अब देखना यह है कि इंग्लिश की पढ़ाई बराबर वहाँ बच्चों को मिल पाती नहीं मिल पाती है। हमारे प्रदेश कराता है तो हम लोग डीओ से मिले, डीओ साहब बोले कि क्यों नहीं करा पाएंगे, हिंदी के हो या अंग्रेजी के कराएंगे, हम उनके खिलाफ स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है आप अपने विभाग के कर्मचारियों को चाहे फांसी पे लटका दें लेकिन हमारे बच्चों के साथ आप कब तक प्रयोग करेंगे। 6 महीना हो गया है स्कूल को सत्र में संचालित हुए और अभी तक पढ़ाई नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लगातार दूसरी बार तालाबंदी हुआ है तो कोई ना कोई रीजन है तब तालाबंदी है। इस चीज को अधिकारियों को समझना चाहिए। जिला संवाददाता रोशन यादव, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।